और भाई क्या मजे हैं? एक नंबर। So good morning guys, this is Akhil and welcome back again my channel. So ये है अपने भाई साहब और ये हम और ये रहा हमारा रूम और अपन बस यहाँ से निकलने वाले हैं। थोड़ा देर पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद तुरंत मसूरी के लिए निकल जाएंगे। मतलब यार इन हिल्स पे राइडिंग करना, बगल में गंगा जी, ऊपर पहाड़, और इतना प्यारा लगता है ना, इतना प्यारा बॉस कि दिल को छू जाता है। The minute that I saw you, I was gone. Ringing from my head into my bones. Baby, got me feeling like a ghost. Hey, damn it, sunny, should have brought less clothes. तो भैया हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्कुल टॉप पे, टॉप व्यू यहाँ से मिल रहा है। अभी तो इतनी ठंड लग रही है ना, बाइक चलने बिल्कुल कांप रहा है। क्यों भाई? हम लोग 2.5 घंटे लेट हैं। एक्चुअल में क्या हुआ था कि ऋषिकेश से देहरादून, देहरादून से मसूरी जाया जाता है। रूट एक्चुअल में फास्टेस्ट ये रूट है, डिफरेंट रूट है, तो हम बट अपन ने डिफरेंट रूट ले लिया। चंबा पे आ गए, ये चंबा एक सिटी है, छोटी सी है, और उसके थ्रू आ रहे हैं। तो मतलब दो गुना हो गया, मतलब जहाँ 70 लगते थे वहाँ 140 किलोमीटर आ गए, तो 5-6 घंटे के। लेकिन यार चंबा के बाद का जो रास्ता है ना, वो 50-60 किलोमीटर मसूरी के लिए सिंगल रूट है। लगने वाला, आप एंजॉय कर, मतलब डर डर के मैं बाइक चला रहा हूँ। गलती से ऐसे जैसे देख लिया तो बीच में आ जाता हूँ। ये है ये हाल, अब तो इंजॉय करो बस। एक नंबर। कैसा व्यू है? अरे गजब, एक नंबर, ब्यूटीफुल। तो भैया अभी हम लोग आ चुके हैं माल रोड पे, एक चौराहा टाइप में रोड है और यहाँ से एक व्यू पॉइंट है इधर साइड में, और यहीं पे एक पार्किंग वार्किंग एरिया है। तो काफ़ी अच्छी जगह है, यदि आप मसूरी आते हो तो बिल्कुल ध्यान रखो क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा पॉइंट मिल जाएगा। हाँ, माल रोड तो फेमस है, काफ़ी फेमस चीज़ है वैसे भी। जो आप देखो व्यू, यहाँ के सीन आपने देख लिए। और अब अपन अब कहाँ जा रहे हैं? बस जॉर्ज एवरेस्ट के लिए निकल रहे हैं, और बस यहाँ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक व्यू पॉइंट है बस, हो गया, और छोटा मोटा मार्केट है। तो बस यही गाड़ी निकल रहा है और निकलते हैं। Spreading my mind, but I was all out of hope.
अभी हम लोग जा रहे हैं जॉर्ज एवरेस्ट। तो ये एक प्लेस है, बहुत अच्छी प्लेस है। करीब पहले माउंट एवरेस्ट के क्लाइंबर थे वो यहाँ पे थे, उनके नाम के पीछे ये रखा हुआ है जॉर्ज एवरेस्ट। फेमस जगह है मसूरी की, काफ़ी फेमस जगह है, टॉप प्लेसेस में से आती है। माल रोड से कितना, 5-6 किलोमीटर अराउंड पड़ेगा, ज़्यादा दूर नहीं है और बड़े आराम से आप आ सकते हो। रोड बहुत प्यारी है यहाँ तक आने के लिए। 1 किलोमीटर आपको पैदल ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं हम चढ़ रहे हैं। तो नेचुरल ब्यूटी बहुत ही प्यारी है, पेड़ बहुत अच्छे हैं। शिमला मनाली वाली आपको फीलिंग आने लगी यहाँ आने के बाद, तो पहले देखो। ये अपन आ गए हैं बिल्कुल टॉप पे, और जो आपको मेरे पीछे दिख रही है हिल्स छोटी सी, ये तो इसे मेन पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पे अभी और चढ़ना पड़ेगा, 10 मिनट का ऐसे करके बोलते हैं, ट्रैक रहता है छोटा सा। और अभी ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ बन रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बनना स्टार्ट ही हुई है, और मेन पॉइंट वो वहीं पर है। हाँ, व्यू बहुत प्यारा है और वो आप देखने वाले हैं। सो आपने यहाँ का व्यू देखा, बहुत ही औसम, बहुत ही तगड़ा व्यू। अब यहाँ से टाइम आ गया जाने का, क्योंकि यहाँ शाम हो गई है और बहुत ठंड लग रही है। हम लोगों ने हाफ टी शर्ट पहनी है, इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना कि बता नहीं सकते, मतलब बहुत ठंड लगने वाली है। और अभी 74 किलोमीटर बाइक चला के जाना है, और वो भी ऐसे हिल्स पे, तो पता नहीं कैसे मैनेज करेंगे। और बहुत ठंड लग रही है भाई मसूरी में। और बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए, बस इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना था तो यहाँ आ गए। दिन एक था, थोड़ा अपने साथ वो झोल हो गया ना, वो जो लंबा हम लोग घूम के आए तो उसके चक्कर में लेट हो गया। नहीं 2-3 घंटे पहले आ जाते ना तो और बहुत सारी चीज़ें कवर कर लेते। बट यदि कोई यहाँ आता है तो 2-3 चीज़ें उसको मैं बोलना चाहूँगा। पहला तो यदि ऋषिकेश से आप आ रहे हो तो ऋषिकेश टू देहरादून, देहरादून टू मसूरी आओ। तो एक्चुअल में क्या है कि मैप नेटवर्क नहीं रहता, तो मैप थोड़ा रहता नहीं है, गूगल मैप काम नहीं करता, तो वहाँ पे डिस्टर्ब होता था। हम लोग से भी वही हुआ, एक बंदे से पूछा, उसने सेम रास्ता, उसने बोला चंबा होके जाओ, और हम लोग आए और 50-60 किलोमीटर फालतू में अपने बाद 50-60 किलोमीटर नहीं, बात है टाइम की, 2-3 घंटे फालतू में चले गए। बट ध्यान रखना, दूसरी बात की थोड़ा किसी भी सीजन पे आओ, मसूरी में थोड़ा ठंड रहती है तो फुल शर्ट एक जैकेट वैकेट डायनिंग वेनिम की भी डाल देना, हल्की पतली सी भी, तो सही रहेगा। तीसरी बात, बहुत सारी जगह है तो 2-3 दिन लगा के आओ। और जो ये बोलते हैं कि मसूरी का सिर्फ मानसून का है, तो ऐसा नहीं है भाई, मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ इस व्यू को। हाँ, ये है कि थोड़ा और अच्छा हो जाता है, बट ऐसा नहीं कि आप आ नहीं सकते हो, बहुत अच्छी जगह है, आ सकते हो। तो अभी बस अपन निकलने वाले हैं ऋषिकेश वापस, होटल जाके रेस्ट करेंगे। तो बस ये वीडियो यहीं से एंड होता है। यदि यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार ब्लॉग आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक ख्याल रखिए, बाय बाय।